तो आज के इस वीडियो में देख रहे हैं मैथ क्लास 11th का एक और न्यू मॉडल पेपर A4000 कोड का। ये पेपर 100 नंबर का यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपना आज का ये वीडियो। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे हो, अपने शहर या गाँव का नाम कॉमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में अलग अलग कोर्ट के पेपर देख सकते हो। इसी आधार पर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पेपर पूछे जा रहे हैं। अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज में आपके कोर्ट का पेपर मिलेगा। जो भी कोर्ट का पेपर हो, आप उसका मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसी आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इस पेपर में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में स्पष्ट लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के सामने जितने नंबर का प्रश्न है वो लिखा हुआ है। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना करो। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखना। cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक होगी। tan थीटा, sec थीटा या जीरो। इसके बाद यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, इसकी क्या ऑप्शन निकल के आएगा। सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब पे भी वीडियो इसका आएगा। ये npr का वैल्यू पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए हैं, सेलेक्ट करके आपको सही ऑप्शन लिखना है। इसके बाद श्रेणी 1/2 + 1/3 + 1/6 नवे पदों का, 9 पदों का योग क्या होगा? -5/6, 1/2, -3/2 या 1। खंड दो में देखते हैं कि यहां पर एक एक नंबर के सिंपल प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय की रोस्टर के रूप में लिखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि समुच्चय एक्स वाई S2y बराबर x2, घन पूर्णांक को किस प्रकार लिखा जा सकता है? अगला क्वेश्चन है -47.30 को रेडियन में व्यक्त कीजिए। 47.30 मिनट को रेडियन में व्यक्त करो। अगला है 1 - i / 1 + i का होल स्क्वायर को a + ib के रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका मान निकालना है। खंड तीन में दो दो नंबर के प्रश्न है। 2x/15 कोण को अंश में बदलिए। ठीक है, 2x है या क्या है यहां पर थोड़ा सा देख लेना आप। इसके बाद यहां पर यह समीकरण दिया है, r का मान यहां से निकालना है। श्रेणी दी है 4, 8, 12, 16 का कौन सा पद 500 होगा? इसके बाद यदि 2 cos θ - 1 = 0 तो थीटा का मान व्यक्त कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, यदि 2 cos θ - 1 = 0 तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। थीटा का व्यापक मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है अलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा उसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा उसके उप समुच्चय ज्ञात कीजिए। उप समुच्चयों की संख्या निकालिए। tan 765 डिग्री का मान निकालना है। 13 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई 5 खंड हल करना है। सबसे पहले यदि साइन अल्फा बराबर m - n / m + n तो सिद्ध करना है tan 45 - α/2 = √n/m। ठीक है, यही तो दिया है। इतने को ठीक है, इसके बराबर ये कंडीशन निकालनी है। अगर साइन अल्फा बराबर इतना है तो फिर इस कंडीशन में आपको ये निकाल के साबित करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद a बराबर a, b, c, d तथा b बराबर b, c, d, e तथा c बराबर d, e, f, g तो a, b - c का मान निकालो। थोड़ा मिसप्रिंट है पेपर बीच बीच में, तो इस एक बार आप बुक से भी सवाल को मैच कर लेना और इसी आधार पर अपनी तैयारी करना। 3 + 4i / 5 - 8i को a + ib के रूप में व्यक्त करना है। 5 नंबर का प्रश्न।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये देखो समीकरण दिया है, असमिका को हल कीजिए तथा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। श्रेणी 7 प्लस 77 प्लस 777 के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए इतने को इतने के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, कोई 5 खंड हल करने हैं। यहां पर cos a अपॉन cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc के बराबर सिद्ध करना है त्रिभुज abc में। अगला सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या cos पाई प्लस i sin पाई को a प्लस ib के रूप में व्यक्त कीजिए। अगला है, निम्नलिखित असमिका को हल कीजिए। x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसका एक मूल 3 माइनस 2 आई है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो इतने को आपको 2 sec 2 थीटा के बराबर सिद्ध करना है, प्रूव करना है। sec पाई अपॉन 4 प्लस थीटा कॉमा sec पाई माइनस पाई अपॉन 4 माइनस थीटा को 2 sec 2 थीटा के बराबर। फंक्शन है x, एक वास्तविक संख्या है, फलन का परिसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि इसमें कोई एक खंड हल करना है, या तो आप ये वाला कर दो या फिर 2 cos थीटा बराबर 1 x प्लस 1 अपॉन x, तो सिद्ध करना है 2 cos 3 थीटा बराबर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। ठीक है, इतना दिया है, इतने को इतने के बराबर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कोई एक खंड हल करना है। यहां पर भी इन्वोल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। यदि वास्तविक संख्याएं ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में हैं तो ए माइनस 4b प्लस सी प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई का मान निकालिए। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी एक आपको एक खंड हल करना है। एक संबंध आर पूर्णांकों के समुच्चय जेड से जेड इस प्रकार परिभाषित है, तो इतने को आपको ये कंडीशन दी हुई है, तो आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए, आर का डोमेन निकालिए। या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, हल कीजिए अंडर रूट थ्री टेन टू थीटा प्लस अंडर रूट थ्री टेन थ्री थीटा प्लस टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा। टेन के साथ थीटा लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इतने को आपको एक के बराबर प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी आधार पर क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व जरूर करके रख लेना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कॉमेंट लिख के जरूर जाना।